ಚರಣ ಜಯ ಹೋ ಜಯ ಹೋ ಅಮರದಾಸ್ ಕೆ ಬಾಬಾ ಅಮರದಾಸ್ ಕಾಯೆ ತೋರ ಚರಣ ಕಮಲ ಕೆ ಸಿ ಪೈಯಾ ಲಗನ ತೋರ ಚರಣ ಕಮಲ ಕೆ ಬಾಬಾಜಿ ಪೈಯಾ ಲಗನ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಾತಾ ಅದೇ ಸಮಯ ಬಾಬಾ
गैस तैयार करे रसोईला। पके हंडी की आरती ले वे दाई सुपुरा आओ बाबा घासी दास के आरती ले वे। आज अमरदास गुरु के आरती ले वे और लक्ष्मी के आरती लेके अब सबको बैठार के प्रतापपुर हिण माता सबको भोजन खिलाए। होने के बाद प्रतापपुर हिण माता इस समय प्रतापपुर में सुंदर डोला में आपस में के पहुंचा रही। अब इस समय की आज गर्मी के दिन जेठ के महीना बुलक गए, आ गए अषाढ़ के दिन। बाबा घासीदास कहे बेटा कहना माना वाचन मानोगा सुन ले बेटा मोरबा देला सुंदर पहना डोला लगा के महीना येगा माता के आने के बाद में बरसा चालू हो गए। आषाढ़ के महीना में वर्षा चालू हो गई। बेटी बरसाते आज अभी हिल के डेट में सावन भादो बुलग गए, कोई नदियां नरवहा पूरा नहीं आए। वो जमाना में जब वर्षा हो तो कई बार नदियां नरवहा जेठे आषाढ़ में पूरा आ जाए। पानी चबके तब देख तो वही दिल में आज इस समय माता या जंगार मोती प्रतापपुर हिण मैया जी आज इस समय घर में पहुँचे है। सुन के आज इस समय जब दिन बीत गए अमरदास आज बाबा के पलंग बिछे और सब लब भोजन देने के बाद में अपन पति स्वामी के लिए अंगार मती माता देख तो आरती साज करके और मंदिर में सिधाए के लिए तैयार हो गए भाई। रागी भैया सबको भोजन पानी खिलाने के बाद में अपनो भोजन पाके और रात जब आज 9 बजे तो माता सपुरा कहे बेटी सुंदर यात आरती सजा ले और दिया जला के और चोवा फूर रख के और बेटा अमरदास के जा चरण के सेवा करबे। प्रतापपुर हिण माता आज इस समय एला सुनीता सुन ले दाई मोर कहे नाला तोरे चरण के बोला तो आज जय हो
हाँ। वो दरवाजा ले इस समय की आगे कदम नहीं बढ़ाए और लहूट के सफरा में चले गए। कहे माँ तोर बेटा आज पलंग में नहीं, वहाँ नरसिंह रूप आज बैठे मोर भोर पलंग माँ माता सपुरा के थे बेटी तो कैसे गोठिया थे जब हिज्जे अपन बेटा माँ नहाता देखे हाँ और कहा के बधवा आगे कई घर में बोला था भाई ए समय की आज इस समय माता सपुरा जब आई चना वो जगह में आज इस समय की अमरदास गुरु खाएगा मोर बेटा आज है भावर पलंग बेटा हमर पलंग में गाया मर्दा से सुंदर आई दे पढ़े समय में
बोलने के लिए तो प्रतापपुर हीन माता कहे पति जहाँ तक जाबे वहाँ मैं तोर चरण के आधुल में मैं तर जाऊँ तर जाऊँ नहीं करके पीछा करे लगी भाई बरसा तो पानी में निकल गए अमरदास गुरु जब मोर स्वामी ही मंदिर में नहीं थे मंदिर में रह के मैं का करियो ये खरला ओकर साथे महू चलाओ कह करके माता सिखाएगे आगे 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 आज इस समय अमरदास आवत है पाछे में अंगारवती प्रतापपुर ही रेगा थे जब भंडार से निकली तो याद देख तो भाजी चलते चलते आज इस समय ये वही मुंगेली के पास में पहुँच गएगा पहुँचे लगी भाई रागी भैया मुंगेली से आगे है जेला मोतीमपुरी और सोनपुरी ना के गाँव है दोनों बस्ती के बीच में यागर नदी चलहे लगी भैया यागर नदी के धार ला देख करके गुरु अमरदास यागर नदी में कूदे लगी भागी बेटी भाषा हो इस समय की आज वहाँ पर में ये सोनपुरी और मोतीमपुर गांव के दोनों के बीच में आगर नदी बढ़े पूरा आवत है जय हो अमरदास गुरु देखे लगी कहे ओ हो ये तो आज इस समय प्रताप ही आवत है तो कष्ट करके तोड़ के नाग जहां और वो पाछू मावत तन कदाप नहीं नाग कुदगे भाई कुदगे मोर वो ड्रामा ते येला मोला बचाना जरूरी है कहके दूसर नदी के धार तोर करके दोनों पार और बीच में एक कुढ़ी बना करके गुरु अमरदास ला बीच नदी धार में रख ली भाई रागी भैया आज गंगा माता ये समय की वहां पर में रेती के वहां इस समय कुढ़ी बना दी वाह 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 वही में ये धर अमरदास गुरु को खड़ा करा दी जय और गंगा माता मोरिया गल बगल पानी पिया देन वही पानी पिया
जाते भाई। जय हो जय हो दी। प्रतापपुर हिल गए थे आज पति मोर कारण। हाँ। ये बढ़े नदी अगर के धार में कूद गए तो मैं ये जगह में कह रहा हूँ माता प्रतापपुर हिल। जब एक दिन सच्चा रही स्वयं मोर स्वामी मोला प्रघा के लगी तेने दिन अब चरण के सेवा बजा के करे लगी। मगर वहाँ से प्रतापपुर हिल माता आज इस समय की वहाँ निकल गए और निकल के आज इस समय की वहाँ मोतिमपुर और सोनपुर इला छोड़ के प्रतापपुर हिण माता आज वहाँ से रेंगे लगी। कहाँ चला रानी भैया? धीरे धीरे गा माता चला थे गा। रायपुर के आगे आज समय की बारह डेरा नाव के पट पर भाषा है। जय हो माँ प्रतापपुर हिल कहे यही जगह को आसन है। ओ जगह में जाके अटल पारण मैया कर देगा माता पारण करे। माता प्रतापपुर हिण आज जाके बारह डेरा में अटल परण करी। जय बोले सात भावर याजी भावर पार के लाई। जेकर मैं चरण की सेवा नहीं करे नहीं बजाया ओकर छाम और ये हृदय में नहीं लगी तो पर पुरुष है आके मोर याद ये आस पास में इस समय मत रहा है। और कोनो कहूँ मैं आकर के आबो करे घर कुरिया बनाबो करे ते ही अग्नि के धार में वो घर राख बन जाए कहीं करके बजरा सरापे लगी भैया जी। ए जगह में मैं बस्ती बसन नहीं दा कहीं के प्रण करके बैठ गए आसन लगा के अंदर मोती माता मारा बना वो ठकुरिया वो मुड़ा तय बनावे तब वो नहीं चले। जब अमरदास गुरु वो जगह में पाछे करते करते आज बारह डेरा में पहुंच गए लगी तो आसन लगा करके अंगार मती माता देख तो उसकी तरफ मुंह करके जैसा नाम कही करके जपन करत रहे भाई। रागी भैया हो गए जब आज अमरदास गुरु है वो मंदिर के तीर में गीतो अग्नि के ज्वाला बरे लगे भैया जान डरी। अमरदास कहे यही बात मैं सोचत रहे अंगार मोती जय हो अब तय सत में अटल परण कर दे, कर दे। ये डहार मोर जोग पूरा हो गे अब मोरो याज मनो काम पूरा हो ही कही के अमरदास गुरु कुछ दिन अलग मंदिर में पधारे। ओला बाबा घासीदास जान के कहे मोर बेटा बहू कहाँ है पता लगा ले भाई। पता लगाते लगाते जब जाके देखी तो बारह डेरा के तरिया के पार में बाबा घासीदास अपनो कुछ दिन आसन लगा के बैठ के यो बेटा बहुला देखे लगे लगी बाद भंडारपुरी आ गए प्रतापपुर हिण माता ला छोड़ के अमरदास गुरु yeah।
रेंगा जोर के रेंगा, कोई प्रकार के भेद मत मानो, कई करके बढ़ने लगी। दुलरवा हाथी में तो ये जा थे, मगर ये मेर का होते तेला जान थे। सोनपुरी या मोतिमपुर के निवासी मन सोचे लगी, हाँ ए भाई काये हो दोनों मुड़ा में गंगा धारे बहत भाजी। देखी हाँ कैसे यहाँ तो आज महापुरुष के पाँव रखाए, मगर हाँ ये नंदी हाँ बराबर रही। ये महापुरुष से मेरे खड़े तो नंदी हाँ दो धार बना के, और ये जगह पुलक के उम्र एक धार बने बने हवाए। मगर दोनों गांव के निवासी कहा कम करे है, सबो देवता नारियल नहीं फूटे। आखरित में हाँ। जब अमरदास गुरु के नाव से जब नारियल मड़ाई तो हाँ। तो ये टुकड़ा नारियल जेला फूटा गाये भैया ऐसे मोटा दीदी गा हो ये हागे भाजी। जय हो जय हो जय हो बाबा या माता सुनो उठाते जैसा जाये दे लगन लगन भाजी। यह अमरदास करा नाम से तो जागी भराही आएगा। ओ जगरिया जी समय अमर टापू से जाने जाते हाँ। अब 18 दिसंबर के मेला भरा मेला होते जेल में जुड़ा जे थाम लहरावा थे भाई। रागी जला देखना है हाँ। तो जाके 18 तारीख के तुमन दिसंबर के देख सका हो तो कैसे जाते ये भंडारा पूरी जाबो गिरौदा पूरी जाबो वो झंडा पारा खावा खामना जयंती लम्बा नाम जयंती लम्बा नाम था मैं।
सुनपुरी हामा जाबो ठंडा ला हरावत हवे गा लागे हवे पूस के महीना और पालो चढ़ावत हवे गा चढ़ के निकल गए राजी चलते चलते बाबा जी अब वहाँ ला छोड़ के बड़े बड़े आज इस समय नंदी नाला अब आज गांव राज लच के आज पार करते करते अमरदास गुरु रहे तो आए लगी हरे हरे अपन महिमा दिखाए लगी राजी भैया गांव गांव में मानो प्राणी मला ज्ञान बताए लगी सबके मार्ग चलाए लगी समय की आपस ये सिमगा के पास में पहुंच गए और सिमगाला चलते चलते या सिनात नदी को पार करके दुलरवा नाम के हाथी में आज वहां पर में आवत है भाई रागी भैया आज इस समय की वहां टेमरी बस्ती है तिरैया नाम की बस्ती है वो जगह में राका कठिया है जेकर तिर में आज कीरतपुर नाम के गांव है हवे भैया गुरु आवत है गुरु के वंशज आवत है कई करके देख तो गांव के समाज मन निकल करके गुरु के चरण पखारे लगी और आभाव रास्ता ला समझे लगी भैया जी ए समय कैसे आज इस समय अमरदास गुरु के जब साधक के झंडा ला देखे कीरतपुर के निवासी मरिए आज गांव बस्ती के मान आरती सजा की बाबा के चरण के किया जाती लेके और चरामृत लेके देख दो भाजी अपन ये कायक के मुक्ति बनाए लगी तब उखर बात ला सुन करके कहीं तुहर हाथ में मैं एक दिन अमृत ला करके और देखा करके अब समाज ला मैं अमर कर हूँ कई करके प्रण करे लगी ये भाव भजन ला देखते आज इस समय की वहाँ गुरु अमरदास कहे संत जी एक दिन आया मारी ताला
माता चंदन लगे भागी। भक्ति माता अपन आज कुटी के दरवाजा में बैठे वो जगह में, वो आज हाथी में चढ़ के अमरदास गुरु जान रे धन्य दाई भक्ति। मैं तोरे जगर आके और तोर हाथ के प्रसाद पाहू मैया। प्रसाद तो पावे करवे पर नदी के वो पार भक्ति माता है। ये भैया ये केवट है, ये डोंगाल मोल वो पार न खा दे। बोला हाँ। सुन के आज इस समय की वहाँ पर मैं यार डोंगार कहे भैया आते ये जगह में हाथी ला बांधा था और ये नदी ला तय डोंगा ला पार करेल कहा था, तब तय डोंगा के कीमत देवे तब मैं पार करूँगा। तो कैसे मोही भर लाना काबे जी। हाँ हाँ नहीं, ये हाथी शुद्ध मोला वो पार गंगा न काबे तब काम है बनी। मगर तो यार ये हाथी कहा था तो तोला कीमत देवर लगी। भाई कीमत तो नहीं देवा पर ते मानो मानो मनुष्य समझत होबे तो तोर डोंगा लाए और डोंगा में हाथी सुधा चढ़ा के ये शिवनाथ नदी न का दे। उसका बात ला सुने लगी डोंगार। हाँ। आज इस समय की वहाँ पर मैं कहे भैया मैं पार नहीं लगा। तोला नकल है ना तो ते जा नाक सकत है। उसका बात ला अमरदास सुनी ता हाथी सुधा नहका थे कैसे रागी भैया। अरे रे 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 भैया का सना ना 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 दे भाई मुझे कैसे बाजा के भैया का ये ते चला ना ना ये भाई मुझे सता नम भैया का जय तो कारा का ना भागी मुझे सत्य का नाम ये के सुब्रा ना भाई जलाया देगा कार्य भाई भागी। हाथी में चढ़ के अमरदास गुरु सबके ध्यान करे पार करी तो जरा भी वो कर पाए समय सिरा पटा पटा करो पत्थर दाई के फुकार रिचार्ज कौन बला आज मोला कौन बलावत है दाई।
अमरदास गुरुला सुंदर सेठ के गद्दी में बैठार के भोजन परोसे। अमरदास बाबा जब भोजन खा के तैयार तो सोना बन गए। आज इस समय देखे लगे के ओहो बेटा कैसे आज मोरिए अभागिल्ला तै तार लिए बेटा तार लिए गांव के मन सुधा करके मोला निकाल दे है बेटा टोनी है भूत ही है कह के। अमरदास कहे दाई तोर हाथ के मैं भोजन खा लिया तीन दिन और तीन रात हो के मैं सोए नहीं हूँ। सोबर तो नहीं सोए पर ओखर हाथ के भोजन कतका पल लगी के स्वयं में माता से पूरा पोरसा थे का अतके पल लगी भैया। काए अगर ककरो घर में भोजन पावत है चपन हृदय में जौन रूपी से माता समझ के ते भोजन पावे तो अपन माता के हाथ के और भोजन के सुरता लगी। अमरदास गुरु कहे मैया मैं आज जगह में सोह आज तीन दिन बिना मैं नहीं उठो मैया जी कोई प्रकार के कोनो पूछी हाथी के नाम लेके आही तब मत बतावे मैया कह करके बार बार सियानी माता भक्ति नबर जेल गी भाई तुलरुआ नाम के हाथी ला पीपर की झाड़ में बांध दी घंटी बंधाए है। अमरदास गुरु रहे तो सेठ के आज इस समय सहसल लगा के और आज इस समय की जब वो जगह में सोई और सोने के बाद में सतलोक अमृत के लिए बाबा जी चले गए। इसी बार क्या होते अमरदास को रुक लगाते समाधि खड़े है वो करहाती बोला छोड़ दे अमरदास को रुक लगाते समाधि कहा गए तो देहाती बोला छोड़ के अमरदास बाबा लगी के समाधि खड़े है वो करहाती बोला छोड़ के छोड़ के
किला बनाए। तू चपरासी खड़े रहे वो करती माया के जी, वो करती माया के। तू चपरासी खड़े रहे वो करती माया के जी, वो करती माया के। वहाँ पर में ढाई दिन बीते हवे। जय हो जय हो। आज ये समय के अमरदास गुरु रहे तो सुंदर सोए और दाई दरवाजा ला बंद करके भक्तिन बाहर में बैठे। गिरिपुर के गाड़ा का उठिया तेन हाँ आए लगी जो हाथी के पता लगावा वो मैं आ रिच मन खे तेन कहा कह करके आदेश दे दी पटेला। आज समय की वहाँ पर में चटवा के ये किरतपुर के मान कहे ये हाथी में चढ़ के ये कहाँ गई है पता लगावा अब तो बड़बस्ती जाओ घर घर खोजाओ। मगर घर घर खोजी तो घर घर नहीं मिले। नहीं कोई आज भक्ति माता के घर में चले गए। नहीं वो तो नहीं घर चला वही छखाए हो है वो करे जगह में हाथी बंधा है कई के गांव बस्ती के मन आगे। जय हो जय हो। आके बोला पूछे लगी ये हाथी में चढ़ के ऐते कहाँ गए तेला बता दे। नहीं नहीं भाई वो हाथी में ऐसन तैसन मन के मन नहीं आवे दादा और मोर घर में वो हाथी के सवार वाले मन के नहीं आये नहीं आये नहीं आये भाई। समाधि लभंग करे बरावत है आज कहे ये हाथी की सवारी होने वाला कहा तेला मोला पता नहीं। नहीं मैं नहीं जाना काबर तीन दिन बिगड़े कर हाथी के सवारी होने वाले हा मोर दुआरी नहीं आवे दादा तीन दिन के बाद आही। उत्ता बात ला सुन के हाँ। अरे यकर घर ला देखा ये ला नहीं खोला धक्का दादा राणी नाथी ना ठोम हा खोजी धरे हम ए डोकरी आये वो चाहते दरवाजा लाली लेना भैया जी मारी के धाका मन लगे भागी। आज इस समय जो सबके मारक नहीं जाने ऐसा पापी मन हाँ। भक्ति माता ला धक्का मार के धरती में गिरा दे। कुछ दिन चेचकार के दरवाजा तोड़िए मेरा आए के काम नहीं है। वही दरवाजा रागी भैया आज जब जाके देखी तो ये अमरदास बाबा सेठ की आज इस समय की वासन में सोए हैं। ये याजी जी सतलोकी अमृत भर गए हैं। वाजी वाजी ऐसा ये सल पापी दुश्मन मन जाके या सियान मातल कहे ताई ये ला खा दे अब खा के ये ला यो ताई ठाट ला रखे कहके आज इस समय बोले लगी। आज समय माता कहे नहीं एला तुम मत जगावो एला मत जगावो। जय हो मगर कहे हाँ।
याद भक्ति माता कहे हाउ मोरे सुन ले हो भाई चाहे ना लगा माना भैया तू हर सब डाला यही से जय हो भाई धाना पुल होगा बेचा आह जी एक रिया देगा ये दे जय हो भाई ऐसा माधी लगे साहेबा गुरु यही कहते जी पूरा सपीता यही कहते जी मैं यार ती सजाई जे मतिया ना जलाए मोर गुरु बाबा यही कहते जी मोर अमरदास यही कहते जी गुरु अमरदास यही कहते जी मोर अमरदास यही कहते जी मोर अमरदास यही कहके हो मोर अमरदास यही कहके जी
मोर गुरु बाबा आही कहके जी, मोर सत गुरु आही कहके जी।